रुड़की में वेतन विसंगति के विरोध में अब जिले भर की एएनएम ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी एएनएम की हड़ताल जारी है। रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में दर्जनों एएमएनओ ने काली पट्टी बांधकर सरकार विरोधी नारे लगाए और अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। एएनएम की हड़ताल पर चले जाने से टीकाकरण का काम पूरी तरह ठप हो चुका है। बाहर से आने वाले लोगों को अस्पताल से बैरंग लौटना पड़ रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश संगठन के आह्वान पर पिछले 3 दिनों से जिले की तमाम एएनएम 15 अगस्त तक हड़ताल पर हैं। इन दर्जनों एएनएम का आरोप है कि वेतन विसंगति के कारण उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। शासन ने मानदेय में बढ़ोतरी की अपेक्षा कमी ही की है, इसलिए तमाम एएनएम 15 दिन की हड़ताल पर शासन से वेतन विसंगति को दूर करने की जोरदार मांग कर रहे हैं। देवभूमि न्यूज़ के लिए रुड़की से दिलशाद खान।